और भाई लोग क्या हालचाल, आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना रैंक पुश कैसे करें, फ्री फायर में रैंक पुश कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम लोग दो बंदे को लेंगे, एक बंदा जो ठीक ठाक खेल लेता है और एक अच्छा नहीं खेल पाता है। तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, जो ठीक ठाक बंदा खेल लेता है वो कैसे रैंक पुश करे और जो उतना अच्छा नहीं खेल पाता वो बंदा कैसे रैंक पुश करे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गेम प्लेस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। फ्री फायर में रैंक पुश करने का दो तरीका है, एक क्लैश स्क्वाड और दूसरा नॉर्मली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस बंदे के बारे में जो ठीक ठाक खेल लेता है। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक खेल लेते हैं और अगर आप रैंक पुश नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपका रैंक कम हो जा रहा है, तो आप क्या करें कि आप सोलो रैंक पुश करें, मतलब क्या क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश ना करें। क्योंकि अगर आप क्लैश स्क्वाड खेल रहे हैं रैंडमली बंदे के साथ, तो जो बंदा आया है वो कैसा खेल रहा है आपको तो पता नहीं। तो हो सकता है आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन वो अच्छा नहीं खेल पाया, इसकी वजह से आप गेम हार गए और आपका रैंक कम हो गया। तो इसके लिए अगर आप अच्छा खेलते हो, ठीक ठाक खेल लेते हो, तो आप सोलो ही रैंक पुश करो। और जब आप रैंक पुश कर रहे हो सोलो, तो आप ऐसे जगह पर उतरो जहाँ पर बंदे ना उतरे हों। बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं कि किल के लालच में जहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरते हैं वहीं पर उतर जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलो कि आप रैंक पुश कर रहे हो। रैंक पुश में आप जितना देर तक गेम में टिके रहोगे, आपको जो रैंक है उतना ही अच्छा बढ़ेगा। किल मैटर नहीं करता है। अगर आप 10 किल किए, ठीक है, लेकिन तुरंत मर गए एक मिनट के अंदर, दो मिनट के अंदर, तो आपका रैंक माइनस में चला जाएगा। किल मैटर करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन रैंक पुश में उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप रैंक पुश कर रहे हो। तो आप सोलो ही रैंक पुश करो। अगर हाँ आपका कोई टीममेट है जो अच्छा खासा खेलता है, तो ही आप क्लैश स्क्वाड खेलो। नहीं तो रैंक पुश करने टाइम आप कभी भी रैंडमली किसी भी बंदे के साथ रैंक पुश ना करें, जिसको आप जानते हो कि हाँ वो अच्छा खेलता है, तब भी आप रैंक पुश करें, नहीं तो आपका रैंक माइनस में चला जाएगा। अब बात करते हैं उस बंदे की जो सपोज डैट आप अच्छा नहीं खेल पाते हो लेकिन आप रैंक पुश करना चाहते हो, तो आप क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करो। और क्लैश स्क्वाड में आप लोग जब फ्री फायर खेलते होगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपके साथ खेलते हो, तो उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो आप उन लोग को बोलो कि भाई मुझे रैंक पुश करना है, आप क्या साथ में खेलोगे? तो ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि उनको भी रैंक पुश करना होगा तो वो लोग खेलेंगे। तो अगर आप ठीक ठाक नहीं खेल पाते हो, तो आप क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करो और अच्छे बंदों के साथ खेलकर। अगर आप अच्छा किल भी नहीं कर पाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैच जीत रहे हो, अगर आप गेम जीत रहे हो, तो आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा ही। तो आप अच्छा खेलो या ना खेलो, क्लैश स्क्वाड में फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किल करो या ना किल करो, अगर आपके टीममेट्स लोग आपका मैच जितवा देते हैं, अगर आपके टीममेट लोग अच्छे हैं, आप लोग गेम जीत जाते हैं, तो आपका जो रैंक है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी अच्छा खेल लो और आप गेम हार गए, तो आपका जो रैंक है क्लैश स्क्वाड में वो कम हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा खेलते हो, तो आप सोलो रैंक पुश करो, क्लैश स्क्वाड में मत करो, और ऐसे जगह पे उतरो जहाँ पे बंदे शुरू में ज़्यादा ना उतरे हों। अगर शुरू में ही जहाँ पर ज़्यादा बंदे उतरे होंगे, तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा मरने का चांस होता है। आप किल कर लोगे, मान अगर आप अच्छा खासा खेलते हो तो आप किल कर लोगे, लेकिन वहाँ पर अगर आप गलती से भी मर गए, तो आपका जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए शुरू में ऐसे जगह पर उतरे जहाँ पे बंदे ना उतरते हों ज़्यादा, ताकि आप अच्छे से लूट कर लो, उसके बाद किल करो। और जब भी आप रैंक पुश करो, तो ऐसे नहीं कि एग्रेसिव मत खेलो, कैंप करके खेलो। मतलब एग्रेसिव ऐसे नहीं कि मतलब बंदा देखकर तुरंत गए मारने लग गए, वैसा मत करो। देख लो चारों तरफ यहाँ और बंदे हैं कि नहीं, मैं आप अपना हेल्थ देखो, कौन सा गन है, मतलब देख के चलो, आप कैंप करके चलो। और अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो, तो आप किसी अच्छे टीममेट के साथ खेलो, क्लैश स्क्वाड खेलो। अगर आप अच्छा नहीं खेल पाते हो तो सोलो मत कभी भी खेलो, अगर आप अच्छा नहीं खेल पाते हो तो। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट पर ध्यान दो कि आपका जो पिंग है वो ज़्यादा ना आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आप गेम खेल रहे हो और पिंग हाई हो गया, सामने बंदा आया आप मार रहे हो, उसको लगेगा ही नहीं, लेट से लगेगा, तो आपका जो रैंक है वो घट जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो, इंटरनेट पे ध्यान दो, फ़ोन पे ध्यान दो, तो ही आप रैंक पुश करो। अगर आपका इंटरनेट सही नहीं हो, मतलब पिंग ज़्यादा आता हो, तो रैंक पुश ना करो, उससे आपका जो रैंक है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप बंदे को मारोगे, सामने वाला बंदा आपको मारेगा, आप मर जाओगे, आप मारोगे उसको लगेगा ही नहीं,
इंटरनेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है रैंक पुश करने में। अगर इंटरनेट ख़राब होगा तो रैंक पुश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और डिवाइस का ऐसा है कि डिवाइस ज़्यादा मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं कि आपके पास जो स्किल है वो आप कैसा खेलते हो। तो यही सब कुछ टिप्स थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और फ्री फायर से रिलेटेड गेम प्लेस टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिएगा लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक यूट्यूब पर मेरा दबदबा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।